फल हूँ मौसम में बरसावन सावन आ गए फल हूँ मौसम में बरसावन सावन आ गए इसलिए याद याद दीवान सावन आ एक कमरा ये है इसमें तो उन्होंने माशाल्लाह अलमारी वगैरह रखी है बर्तन वाली ये मेरे ख्याल से अमर भाई बनवा के लाए थे ये घर बना है तो साथ ही बनी थी ये भी तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमरा बना हुआ ये भी और दूसरा कमरा भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे उन्होंने पर्दा ये लगाया है पर्दे थोड़े बड़े मैंने कहा इनकी जो इंसान नीचे से इतनी नहीं मम्मा हमारे जैसे हैं मैंने कहा इतनी जो इंसान ये सिलाई लगा रहे हैं ताकि थोड़े से ऊंचे हो जाएंगे और वैसे ही मैंने कहने का दोनों पर्दे इन्होंने छोटे लेने चाहिए थे और यहाँ पे दो दो पर्दे लगने थे इन्होंने एक एक लगाया हुआ है इस घर में चले वैसे ही माशाल्लाह घर अच्छा तो अहमद भाई कहते एक एक पर्दा ना बाजी मैं एक एक और लेके आऊंगा और वो भी लगाऊंगा मैं ठीक है आगे दिखाए एक कमरा ये है यहाँ पे तो मैं मेरा पता से रखा हुआ वैसे भी आप तो जानने की हमारी तैयारी है सब इन्होंने को पता ही है और मोहम्मद के फिल्म मैंने लिया हुआ छोटी चल पाई पे कैशस हो जाती थी यहाँ पे मैं सो जाया करती थी पहले तो मैं जमीन पे सोती थी मैंने कहा नहीं मुझसे जमीन पे नहीं सोया जाता यहाँ पे नीचे तो फिर मैं चलपाई पे सोने लगी क्योंकि मुझे आदत है चलपाई पे सोने लगी मैं बेड पे भी नहीं सो सकती अहमद भाई कहते थे भाई आप उधर आ जाओ बेड पे तो अभी बेड पे सो जाया करो मैंने कहा मुझसे मुझे बेड पे नहीं सोया जाता और इधर इन्होंने कपड़ों वाली ये वाली अलमारी ली है और एक रूम इनका ये वाला है तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा बना हुआ आज आपको पूरे घर का विजिट करवाते हैं तो ये है किचन और किचन बड़ा छोटा सा बना है और यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ तो मैंने अहमद भाई से इतनी बात की है कि यहाँ से ना यहाँ तक ये मुकम्मल करवा लेना सबा इतना बड़ा हो जाएगा ना ये फिर टेंशन उनकी ना खत्म हो जाएगी इस पर यहाँ पे चूल्हा रखेंगे क्या नहीं तो कहते बस ये गलती हो गई हमसे बाकी माशाल्लाह मकान मुझे बहुत पसंद है बस जो किचन है ना क्योंकि जब किचन का समेटा होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है किचन का समेटना और किचन का सामान भी बहुत ज्यादा होता है बाकी कवर शवर लगवाया मैंने कहा चलो इधर कवर वगैरह ना लगवाइएगा यहाँ पे जो इंसान ये सिलाई बनवा लेंगे कितने मुकम्मल ताकि यहाँ पे बन जाए और किचन भी काफी बड़ा बनेगा और फिर प्यारा भी लगेगा ये यहाँ पे भी एक कवर वगैरह लगवाया है और यहाँ पे जो बेहतरीन काम किया ना इन्होंने ये LCD का LED इन्होंने यहाँ पे लगाई है लेकिन हाँ यहाँ पे चूल्हा रख के जब बनाते हैं ना उसके लिए थोड़ी मुश्किल है फिर सबा भाभी यहाँ सिलेंडर रख लेती हैं यहाँ रख के बनाती हैं तो जाहिर है जगह भी यही बनती थी सामने की जहाँ पे LED लगनी थी इसके अलावा कोई जगह नहीं थी नहीं तो फिर दूसरी जगह बनती थी और ये बरामदा है माशाल्लाह मुकम्मल और इधर सबा बैठी हुई है वो कर रही है जी अपनी वीडियो एडिट क्योंकि टाइम हो रहा है ना कल भी लेट हो गई है मेरी वीडियो तो बहुत बड़ा मसला बन गया था तो आज ये मैंने टाइम से थोड़ी सी वीडियो बना ली हुई है तो मैंने कहा अभी एडिट और अपलोड जो है वो कर देती हूँ फिर जब टाइम होगा फिर पब्लिक कर लेंगे टेंशन नहीं बनेगी हाँ जी और बेबो बैठ के नीचे ये खा रहे हैं क्योंकि बच्चों का काम यही है और मोहम्मद का भी यही काम है और ये बरामदा आप मुकम्मल देखें और ये मेरा अहमद भाई का मोटरसाइकिल है नहीं मामू मामू का मामू कभी दरवाजा खोल लिया हाँ जी का मैंने दरवाजा खोल लिया यहाँ की लाइटें वगैरह जलाते हैं एक रूम ये है माशाल्लाह और यहाँ पे ये सोफे रखे हुए हैं तो क्योंकि जो एक और सोफा जो छोटा सोफा था ना जो चेयर थी इसकी वो वहां पे आई नहीं उस जगह पे वो उठा के दूसरे कमरे में रखी हुई है तो इस कमरे में मैं आ जाई हूँ जिस दिन से मुझे एक हफ्ता होने वाला है इस घर में आए हुए लेकिन यहाँ पे मैं आ जाई हूँ और ये देख ले माशाल्लाह बहुत प्यारा और सबसे ज्यादा मुझे प्यारा रूम ही यही लगा अभी यहाँ की टेबलें जिनसे ना अहमद भाई ने बनने के लिए दी हुई है तो वो कह देते कि मैंने टेबलें दी है बनने के लिए बाजी वो भी आ जाएंगी तो मैंने कहा भी इन पे जो ना लाजमी कवर वगैरह चढ़ा ले मैं तो उस दिन से कही थी कि मुझे ना तोल वाला जो कपड़ा होता है ना मुझे वो ला दे ताकि मैं जिनसे ना सिलाई कर दू ना उन्हें टाइम मिला ला के देने का बस घर के काम काज में मसरूफ रहे वो भी कभी ये चीज लाओ कभी ये चीज लाओ मेहमानों में इसलिए और अब ये शापर वगैरह भी ऊपर लगाए मैं तो मैंने कहा इन पे लाके ना शापर उतार दे और इनके ऊपर इनसे ना वो लगा दे शीटें वगैरह बिछा दे कपड़े की मुझे कैसे लगा घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है बहुत प्यारा अल्लाह ने रहना नसीब करे आप बेबो और कमरों की भी सैर कराओ मेरे साथ आ जाओ सबा एक तो ये वही कमरा है
इनकी ने कुछ भी नहीं करवाया, वैसे ही सादा माहौल रहने दिए जैसे एक देहाती माहौल होता है। स्टोर बनाया, वो स्टोर बनाया हुआ ना, बस यहाँ पे चलपाइयां वगैरह बिछाई, कमरे का कमरा बन गया, स्टोर का स्टोर बन गया, और ये पेटी यहाँ पे, ये सामान और सारा ऊपर ऐसे लगा दिया हुआ है। तो कहने लगे भी एक कमरा जो है ना हम ऐसे रखेंगे। तो एम भाई बताते हैं, कह रहे मैंने जो ना इस कमरे की शीटें वगैरह भी मैंने वॉल पेपर मैंने नहीं लगवाया, और यहाँ पे बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, किस्म से स्टोर ही बन चुका है ये। और दूसरा हम आपको दिखाते हैं कारपेट भी हमने बिछाए हुए, कारपेट के ऊपर ना भी कपड़े ले हैं, इनके ऊपर कपड़ा भी छाया करे ताकि कारपेट गंदे न हो, हर हफ्ते बाद ये महीने के बाद अनुसार निकाल के वो कपड़े धुल जाए ताकि घर भी साफ रहे। तो यहाँ पे ये गोलू मोलू सोया पड़ा छोलू मोलू, और एक छोटा सा तो ये बस गिदार सा बना हुआ है दिल्ली टाइप। तो अगर यहाँ पे किचन बन जाए ना तो बहुत जबरदस्त लगेगा, इतना सा किचन बन जाए यहाँ पे, बस स्लैब बन जाए, सारा कुछ यहीं पे सिस्टम हो जाए। तो सपा क्या तो लेती है ना सपा, हाँ फिर इधर ही सही रहेगा ना। हाँ जी। और सभा खड़ी है उसमें इस वक्त किचन में, और आए हम आपको जो है ना इस रूम का भी विजिट करवाते हैं, इधर बैठी हैं बच्चियां वगैरह तो उनको साइड पे वो कर देते हैं। एक रूम ये है जिसमें इन्होंने अपनी वो मसहरियाँ वगैरह लगाई हैं। तो अहमद भाई कहते हैं हमने बेड लेके क्या करना, जब हमारे पास ही है हमने इतना सामान क्या करना है, हमारी छोटी सी तो फैमिली है। मैंने कही ये बात भी ठीक है। और यहाँ पे लगवाए उन्होंने एसी, हर कमरे के अलग अलग वाल पेपर है हर रूम के, छत का भी, और छत का है ही ऊपर, छत तो बनी है। अच्छा ये वाला, हाँ जी वो मेरे ख्याल से अलग अलग है, और देखती हूँ भाई से नहीं, मेरे ख्याल छत एक है और वाल पेपर उनसे चेंज है, और इधर एसी ये एक ऐसे वाल पेपर उस दूसरे कमरे में भी, हाँ जी लेकिन चेंज दिया मैंने ना थोड़े थोड़े जी। और यहाँ पे वो सोफे वगैरह रखे हुए, कुछ इधर सोफे रखे हैं, यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं, मैंने कहा चलो बैठे थे क्यों, अब उन्हें फिर बार बार यहाँ से उठाए बाहर निकाले, फिर उनको कहे अंदर आ जाओ, मैंने कहा लेटे रहो सुकून से, अभी छत भी दिखा रही है, अभी छत भी रहती है, नमाज रूम भी रहता है, और अभी जो इंसाना जहाँ मेहमान बिठाने के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आए अब आपको जो इंसाना ये वाला रूम भी दिखाते हैं, ये इसका मेरे ख्याल से बटन वगैरह वो दिए हुए हैं, ये मेहमान रूम के अहमद भाई के मुंह से सुनते हैं आज तक कि मेहमान रूम हमने बनाया है। ये जी जो भी हमारे को गेस्ट आएंगे अहमद भाई के तो वो नहीं बैठेंगे, ये गेस्ट रूम कह लें इसे, मेहमान रूम कह लें, कुछ भी कह लें इसे। तो ये उन्होंने, और यहाँ पे ये वाले पर्दे लगाए हुए भाई, असलम भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, मौसम भी काफी प्यारा हुआ है, वो खड़ी है सलम भाई, मौसम प्यारा हुआ है, बाहर किधर से नजर आ रहा है, वो शीशा भी लगा हुआ है कुछ इसमें से भी ऐसा नजर आ रहा है। और ये इन्होंने अटैच वॉशरूम बनाया, वॉशरूम तो मैं नहीं दिखा सकती, ये वॉशरूम अटैच। अभी कंबल वगैरह यहीं पे पड़े हुए हैं, और इसलिए मेरे ख्याल सब यहीं पे सोते हैं ना, हाँ जी जो भी कोई आता है फिर यहीं पे सो जाते हैं, फिर कंबल वगैरह यहीं पे पड़े। तो ये जी वॉशरूम, और ये वाला जो है ना बाथरूम, और यहाँ पे बेसन वगैरह लगवाया, वाश बेसन यहाँ पे खुदा बनवाया हुआ है। और हाँ एक गलती की है जो मैं कहती हूँ, यहाँ पे छोटा सा जो है ना एक ग्लासी प्लाट होना चाहिए था कि ना सही चले, पांच छह चेयर आ जाती, टेबल आ जाता और बड़ा प्यारा माहौल बन जाता, लेकिन अहमद भाई ने वो नहीं बनवाया, ये यहाँ बनवा लेते चले, गेट के पास तो नहीं बनता था, वहां से तो गाड़ी वगैरह आ गई, लेकिन यहाँ बन जाता तो बड़ा प्यारा बन जाता, ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी अच्छा है। लेकिन हाँ एक चीज की कमी जो रह गई है ना, वो ये कमी रह गई है, नमाज रूम, ये है जी नमाज रूम। मैंने जूता नहीं पहना हुआ था, मैं नंगे पाँव थी, तो इसलिए मैं अंदर जाके नहीं दिखा रही हूँ, यहीं से दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इन्होंने ये वाला बनाया हुआ है नमाज रूम, यहीं पे बैठ के सब सपारा वगैरह पढ़े और नमाज अपनी अदा करें, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। और ये पौधे वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे, लगाए के बल्कि लेके आए हैं, लगाने वाला तो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और अभी आपको दिखाते हैं ऊपर, ये सीढ़ियाँ यहाँ पे रखे हुए पौधे, सीढ़ियाँ बड़ी खुली खुली हैं और मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कहते हैं भाई हमारे घर की सीढ़ियाँ तो बहुत खतरनाक है, जैसे मैंने बताया कि खुद हम गिर गए हैं तो उनको चोट भी लगी है, ये अच्छा ये
जानवर का लगाने वाला इन्होंने रास्ते में रखा हुआ है। तो ये खुली छत और तेज तेज हवा और धूप, माशाल्लाह छत बहुत बड़ी है, बहुत खुली छत है। ये बहुत बड़ी छत है। जी मम्मा जी, ये सब पठान बैठे हुए तो पठान भी है कुछ, जो ना हिंदू हिंदू कबीला जिन्हें कहते हैं खोदी, तो वो भी है, तो वो भी रहते हैं क्योंकि खानपुर रहीम याद खान हैदराबाद सदकाबाद यहाँ पे हिंदू काफ़ी हैं और मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे रहते हैं, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं सुना हमने, क्योंकि वो कहते हैं ना सबसे पहले भी अगर हम देखें कि इस्लाम ये मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई और इनसे पहले तो अगर हम देखा जाए तो जो उनसे रिश्ता है ना वो इंसानियत का है, तो इंसानियत जो उनसे ना बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे, जो यहाँ के हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं आपस में मिल के रहते हैं सब, और एक दूसरे के घरों में आना जाना, एक दूसरे से चीज़ लेके खाना पीना वो इन मब तक चल रहा है। और हो सके मैं देखूंगी, मैं परसों अहमद भाई को कह रही थी, मैंने कहा भाई असलम भाई को कि अहमद भाई मेरा दिल चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊँ उनके साथ, अहमद असलम भाई कहते हैं वो तो बना लेंगे वो कुछ नहीं कहेंगे, आज तो फिर मेरे ख्याल से रहीम याद खान गए ना इसलिए। और ये छत पे जो इनका ना देखा वो सामान पड़ा हुआ है, जो कलर शलर ये वो इन्होंने पेंट शेड किया ना, वो जो बाल्टियाँ शाल्टियाँ पड़ी हुई हैं वो यहाँ पे मौजूद है, आप देख लेना। और अब ये ऊपर लगवाया उन्होंने वाश बेसन, छोटा सा ऊपर शीशा भी लगाया हुआ है यहाँ पे। और आप सबको दिखाऊँ तो ये दूध दूध जो ना फसलें नजर आ रही होंगी आपको, ये सारी फसलें हैं और असगर भाई का मकान बन रहा है और ये शीशा लगा हुआ है, वो मुझे नहीं पता मेरा भी वो तूड़ी वगैरह है कुछ, मेरे उसमें ढेर लगता है तूड़ी का, वही बनाया हुआ है। और सारी छत से ना बाहर का आपको मंजर सब दिखाती हूँ मैं। ये क्या चीज है? ये गन्ने की फसल है। गन्ने की फसल? जी जी, ये गन्ना लगाया हुआ उन्होंने और बीच में शरीर का पौधा और पता नहीं कौन कौन से पौधे कीकर लगी है वहाँ पे, सारा यहाँ पे ये देहाती माहौल है। और छत माशाल्लाह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी बड़ी है। मम्मा जी ट्रेन भी खड़ी है जी? ट्रेन भी खड़ी है ट्रेन की पटरियाँ बहुत करीब है ना, और यहाँ से आपको दिखाया तो गली बाहर बहुत बड़ी है। हाँ जी बहुत बड़ी गली। चले वो बगीचे? हाँ जी चले। ये गाड़ी और साइकिल भी खड़ी है? हाँ उन्हीं की खड़ी हुई है, मेरे ख्याल ये शीटें वगैरह जो उनसी बची थी। हाँ जी, जो दीवारों पे इनके वाल पेपर वगैरह लगे हैं ना वो शीटें हैं, ये वो पड़ी हुई है यहाँ। तो ये पूरे घर का हमने आपको विजिट करवाया और आप जनसा ना जाते नीचे आपको बरामदे का और जो सामने का फ्रंट है वहाँ का भी आपको विजिट करवाते हैं। अब बताइएगा मकान आपको कैसा लगा, मेहनत बहुत की, दिन रात मेहनत की अहमद भाई ने और अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिया इन्हें, अल्लाह ताला मुझे भी घर दे, भले एक कमरे की छत दे मुझे, और दुआ कर रहे सब बहन भाइयों ने मेरे लिए भी मेरे हाथ में भी कि अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे, क्योंकि मेरी बच्ची जवान हो रही है और जगह जगह किराए पर रुला नहीं जाता क्योंकि पत्थर एक जगह भारी होता है, उसका एक अपना वजन हो जाता है, वो अपने एक मयार बना लेते हैं। अब हम जब एक घर छोड़ते हैं दूसरा अपना लेते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा, जब हमें ज़्यादा साल का टाइम होता है, साल से ज़्यादा 2 साल रहने दे देते हैं मालिक मकान अगर उनसे एग्रीमेंट दोबारा किया जाए तो, लेकिन फिर भी वो घर छोड़ के हमें जाना ही होता है। आज अब चले नीचे। ठीक है जा रहे हैं नीचे। हाँ जी, मैं तो झांक कर देख रही थी भाई जो ये मकान है सारे जो झोंपड़ी में रहते हैं उन्हें देख रही थी
कि हम तो घरों में रह के क्या रहते हैं, है गर्मी है सर्दी, इनकी भी तो जिंदगी है, अल्लाह इन्हें भी सफल दे देता है, वो किस तरीके से रहते हैं। वो कहते हैं ना, कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखो कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और वहां से नसीहत पकड़े कि हमने अपनी जिंदगी उनसे एक बड़े सादा तरीके से हमने गुजारनी है, और हमने सब्र, अल्लाह ने किसी को ज्यादा नवाजा हुआ, किसी को थोड़ा नवाजा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी भूखा किसी इंसान को नहीं सुनाया। आ गई हूँ मैं, और ये रह गया था भी ना, यहाँ का बाहर का बड़ा गेट और ये छोटा गेट, और इधर से आपको दिखाते हैं, यहाँ से इधर ये वाला, तो माशाल्लाह आप बताइए, ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो ये इन्होंने कलर पेंट किया को वहां पे खड़ी है, कह रही नींद वाई वी है, और ये माशाल्लाह जैसे मैंने बताया कलर पेंट, और ऊपर लिखा हुआ है माशाल्लाह नमाज रूम। अच्छा चलो मैं उधर आ जाती वीडियो बना के, और ये पौधे धूप में रखे हुए हैं। कैशा क्या कर रही हो, पानी बैठ के पीते हैं, मेरे लिए भी ले आओ पानी, ठीक है।